उदय शंकर, आपका जन्म 1900 में उदयपुर में हुआ था, शायद इसलिए उदय शंकर का नाम रखा गया। बाल्यकाल से ही आप बहुत कला प्रेमी थे। आपके पिता डॉक्टर श्याम शंकर चौधरी थे, जो एक उच्च बंगाली ब्राह्मण थे। बचपन से ही आपको चित्रकारी तथा संगीत से काफी रुचि थी। आपके इस रुचि को देखकर आपके पिता ने बंबई के जेके स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षा के लिए भेज दिया। इसी बीच बंबई के गांधर्व विद्यालय में संगीत की शिक्षा भी लेते रहे। वहां की शिक्षा लेने के बाद लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग में आपने विशेष योग्यता प्राप्त की। वहां आप अक्सर मित्रों के जलसों में नृत्य का प्रदर्शन किया करते थे। इसी बीच आपकी भेंट रूस की प्रसिद्ध नर्तकी अन्ना पावलोवा से हुई। आपने उनके साथ बड़ी बड़ी देशों में भ्रमण करते हुए अपने कुशल नृत्य का प्रदर्शन किया, जिससे आपको काफी ख्याति तथा धन भी मिला। इसके बाद आपने अपने ट्रिप का निर्माण किया और यूरोप के मुख्य मुख्य शहरों में प्रदर्शन किया। विदेश से वापस अपने घर अल्मोड़ा में आपने उदय शंकर इंडिया कल्चर नामक एक नृत्य स्कूल चलाया। यह स्कूल कुछ वर्षों के बाद बंद हो गया। आपका स्वभाव बहुत ही सरल व मिलनसार था। रहन सहन में सादगी थी। आपको कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। आपने कई बार दुनिया के बड़े बड़े शहरों में अपना कार्यक्रम देकर भारतीय नृत्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई। आपने बैले नृत्य में प्रवीणता हासिल की, जो भारत के लिए नवीन शैली थी। नृत्य में आपकी पत्नी श्रीमती आमला शंकर आपका साथ दिया करती थीं। नृत्य पर आधारित कल्पना फिल्म का भी निर्माण किया, किंतु वह फिल्म अधिक न चल सकी। आपको 1971 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। जीवन पर्यंत संगीत सेवा में लगे रहे और 26 सितंबर 1977 को हृदय गति रुक जाने से आपकी मृत्यु कोलकाता में हो गई।